तो यहाँ पे हमारे लवासे आ गए, इसको बोलते हैं असली कॉफी, नेस्कैफे है। बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह होप होप हम कर पाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी आजादी और कहाँ, लाजवाब उम्दा। मंथ तक पहुंच गए थे हम। कोई भी कभी राजनाथ जाना चाहे तो उसके लिए सब this 6:55, 1st September 2024, ट्रैकिंग टूर्स स्वर्णाग जिसको बोलते हैं, वाया कोकरनाग देन दक्षिण। इंशाल्लाह चारनाग का भी आज प्लान है, और है आज का प्लान सिलसर फर्स्ट सिलसर सेकंड, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। ये दो बंदे जाने पहचाने से ही है, अंदर अंदर चांस होती डायरेक्ट। आज की हमारी सवारी अपनी पलेनो, 7 बजे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 3 मिनट। 6:30 का आज प्लान था, लेकिन इस बंदे को देखिए, इसने थोड़ा लेट किया। मैं तो सुबह से तैयार था। क्या सुबह से तैयार, कितने बजे? 6:30 नहीं बोला था टाइम उसमें, मतलब مگر اکھ مے تہ کھان اکھ ایکسٹرا تل مے پہ چائے تہ کال تھوین دود فرجس من پہ سہ نبر کڑن ونکس 7:30 हो गए, 7:26 तो एक्चुअल हमने क्रॉस कर दिया, तो नाउ टूवर्ड्स कोकरनाग। मौसम ठंडा है, पता ही नहीं आगे ट्रैक पे क्या होगा। जहाँ पे आज जाना है तो वहाँ तो पूरा, जब मौसम अच्छा भी होता है तो उस टाइम भी वहाँ पे क्लाउडी होता है, बारिश होती है, तो आज का पता नहीं। मौसम अच्छा होना चाहिए तब ट्रैकिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आज तक जो भी हमने ट्रैक किए वहाँ पे खाली हमें बारिश देखी। देखिए ऊपर क्या हाल, मौसम हुआ। तो यहाँ पे हमारे लवासे आ गए, क्योंकि खाना भी इसी के साथ है, नून चाय भी इसी के साथ है, बिल्कुल। और सुबह का ब्रेकफास्ट भी यही है, लवासा। अभी तक हम भूखे ना, मेरे को वो तो सीखो ना, और मैं तो कोकरनाग से आगे टूवर्ड्स वाइलू से आगे भी टूवर्ड्स, यहाँ पे एक कानवाई मिली है हमें बेड़ू की, तो बहुत ज्यादा बड़ी कानवाई है, इनको जाना है। ये अभी आ गए मड़े हुआ अडबन से, तो अब ये जा रहे हैं रियासी है? ये जाएगी अब रियासी जाएंगे। ओ गंग भाई कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए, कहाँ से? कसनाड़। अच्छा अच्छा, वो आगे वाली पाल्टन वो मड़े हुआ अडबन से आई थे, जाना कहाँ है, रियासी कसनाड़, कसनाड़ पनाड़ संगनाड़।
ब्याह एरिया और कसनाड पनाड संगनाड ये पत रान नियर पकन जी मे बच देखे इनका काफिला कितना बड़ा है। तो यहाँ तक हमने एक और गांव छोड़ा इसको जिसको बोलते हैं मती गावरन। पहले इसको बोलते हैं मती हूँ उसके बाद आता है मती गावरन। तो यहाँ से मरगन स्टॉप स्टार्ट देखा जाए तो यहाँ पे अंधेरा है लेकिन बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। अरे व्यू तो काफी नहीं रहा है। काफी खूबसूरत है। नीचे देखिए आप नाला कितना गहरा नाला नीचे ये ऊपर देखिए पहाड़ियाँ। ये हमारे जुबैर साहब हर वक्त ट्रैकिंग के लिए तैयार। जोगन ये हमारी ना थकने वाली मशीन ट्रेडमिल। तीसरी टर्न है हमारी। हमने साथ में दो टर्न किए हैं ना। हाँ सही बात है हमने तीनों टर्न एक साथ की। पहली टर्न हमारी थी बाइक राइड दूसरी में हमारी थी गाड़ी में और आज तीसरी राइड गाड़ी में क्या लोड कैरियर में खुल के बोलो खुल के। तो यहाँ पे पहुंच गए हम सेल्फी पॉइंट। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से चाय पी के ही जाते हैं इस चाचा के पास। इसका नाम हमने रखा है सेल्फी पॉइंट। रेडी रेडी एकदम ताजा एकदम करारा। यहाँ पर अपने चाचा नावकन में क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम लियाकत अली पठान। हर वीडियो में है हमारे ये लियाकत अली पठान। चाय पी के जरूर जाइए। सही बात है देखे हमेशा ये हमें चाय पिलाते हैं यहाँ पे। आज हम चाचा के पास तीसरी बार आए हैं। सही बात नहीं नहीं छठी बार मतलब दो दो बार आ रहे हैं ना आके बार आते हैं ना। ऑमलेट विद चाय इन नौकन पठान मोड। आप पठान मोड तुम्हें अपना नाम रखा है इसका सेल्फी पॉइंट पठान मोड। सेल्फी पॉइंट पठान मोड में है। यहाँ पे मैंने इस वॉशरूम में नहाया है। एक्चुअली स्नान करूँ मुझे। नासिर नासिर देख आगे मंजर देख मंजर क्या मंजर है भाई। ये पर से कम उन लोगों को दिखाएंगे जो यहाँ पे नहीं आ सकते।
सर। श्रीराम से खबर सर, बताओ बताओ श्रीराम। जिगजैग रोड है, कभी दाएं कभी बाएं। अगर मैप पे भी देखा जाए ना, ये वाला रूट जो है ऐसे 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 पूरा ज़िगज़ैग दिख रहा है, वो यही वाला है, यही ज़िग है वो, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्रूज है। तो यहाँ से मरगंटाप स्टार्ट, पहुंच गए हम मरगंटाप, ये इसका टॉप है, और यहाँ से आगे है कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का मरगंटा बन से कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का सिटी बन डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़। हाँ 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 वो कहाँ वो टाइम हो गया 10 लगभग, अगर इसका सो प्राइवेट बात है स्कूल मारे वासल पूरा ही इंसान की। हाँ हाँ आराम पहले यहाँ पे लोग नहीं आते थे, ये रिसेंटली ये एक्सप्लोर हुआ है मरगंटाप भी फॉर पिकनिक, और मरगंटाप से आगे जाते हैं फिर सोरनाग लेफ्ट साइड, और राइट साइड में आता है सिलसर फर्स्ट सिलसर सेकंड। इंशाल्लाह आज प्लान है हमें आज चार नाग नहीं छह नाग करने का। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मौसम बहुत ही बढ़िया है आज, वरना जब बारिश होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ट्रैकर्स के लिए। तो फाइनली रिचर्ड मरगंटाप, मरगंटाप आपको दिखाएंगे। दिस वे टूवर्ड्स मडियो अर्बन एंड इज कॉल्ड, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ से चोरनाग, और वहाँ से होके हमारा और एक ट्रैक जाता है यहाँ से सिलसर फर्स्ट सिलसर सेकेंड इंशाल्लाह, देखते हैं। तो ये ट्रैक हम स्टार्ट कर रहे हैं 10:36 पे, ये वाला ट्रैक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ और एक क्रू जा रहा है ऊपर, I think they are Koreans. ये भी हमारे साथ आए ऊपर नीचे से। बिस्मिल्लाह तवक्कलतिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो ये वाला ट्रैक है इसमें ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा एलिवेशन है ऊपर तक थोड़ी, तो फिर ऊपर ठीक ठाक है, सोरनाग में पहली ही चढ़ाई होती है। आपको दिखाएंगे यहाँ से एंट्री पॉइंट, ऊपर से यहाँ पे सांस भी थोड़ी सी फूल रही है ड्यू टू बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। दो रास्ते जाते हैं ऊपर, एक वाला ये, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, दूसरा नीचे से जाता है इसका रास्ता, वो थोड़ी सी उसकी एलिवेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। हो
जे एंड के फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट डिवीजन अनंत नाग रेंज डक्सुम मरगन टॉप टू चोरना ट्रैक रूट सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से ज्यादा चढ़ाई है ये वाला। हिप हिप हुर्रे। हिप हिप। तो आज चार रंग हम दूसरी बार जा रहे हैं। तो जब हम पहली बार गए थे तो वो सारे नाग फ्रीज थे, तो आज इंशाल्लाह खुले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरी बार भी आ गए। और हमारा शीदा भाई यहाँ पे पहली बार आ रहा है, इसलिए उसको भी कंपनी देनी पड़ी। उसने भी बोला आज यहाँ पे ही चलते हैं। और यहाँ से आके हम जाएंगे शिलसर फर्स्ट, शिलसर सेकंड, मतलब चार नाग ये नहीं, हम छः नाग करेंगे आज इंशाल्लाह। मौसम भी अच्छा है, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। एंड मिस्टर नासिर भाई इज कंटिन्यू ऑन द ट्रैक। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए हमारा और एक क्रू नीचे, दे आर फ्रॉम मलेशिया, ओनली गर्ल्स फोक विद गाइड। अरे नहीं, पिछली दफा जब आ गए ना, ये भी फ्रीज था, यहाँ भी फ्रीज था। ये वाला है ना, ये वाला पानी यही छाता है ना नीचे से। रोबुल आलमीन शानि करीमी ये बसान सारे को टापस उन पहाड़ियों की चोटियाँ देखो, उन पहाड़ियों की चोटियाँ वो कितने ऊंचे हैं अभी भी। सो वेलकम गाइज टूवर्ड्स चोरनाग फर्स्ट रिचिट 11:30 here. See, ये छोटा है लेकिन आगे वाला जो सबसे लॉस वाला नाग है वो ठीक ठाक है। हाँ बिल्कुल, देखिए सच में बयान ही नहीं कर सकते यहाँ की खूबसूरती। सिंपली एक बार इन पहाड़ों की लत लग गई, ये नहीं फिर छोड़ता। इंसान को तलब होनी चाहिए टू सी द नेचर, टू सी द ब्यूटी, टू सी द मेसमराइजिंग माउंटेन्स। और बहुत ही कम टाइम है अब यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि जूँ ही यहाँ पे भी बर्फ स्टार्ट होगी तो फिर ये ट्रैक भी बंद हो जाएगा। एटलीस्ट ये महीना निकल जाएगा तो बस ये वाला ट्रैक भी बंद हो जाएगा। जब हम इससे पहले आए थे यहाँ पे तो जो भी ये छोटे ये वाला भी, जो इससे बड़े वाला भी, वो सारे फ्रीज थे, मतलब तीन तीन
फीट की मोटाई की बर्फ की चादरें थी उसके उसके ऊपर चला भी जाता था उस टाइम। सो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स फॉर ऑलमाइटी अल्लाह टू गिव अस सच अ करेज टू विजिट हियर अगेन। दिखाएंगे आपको बहुत ही नज़दीक से। सो वेलकम गाइज स्वर्णनाग सेकेंड। देखिए इसकी डिस्टेंस, ये एक पहला नाग है यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा। विच लुक इज ब्लूइश। देखिए गाइज पहले नाग से भी ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। वेलकम वेलकम। देखो पानी से जैसे ये उठते हैं क्या चिंगारे, वो देखो जैसे डायमंड। हाँ गॉड गॉड इज ग्रेट गॉड इज ग्रेट। वेलकम वेलकम। ओ माय गॉड। ओह ओह